भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष में कुंदरकी विधानसभा के सभी बूथों पर विशाल रैली निकाली गई। उसके बाद रतनपुर कला मंडल में रैली का समापन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष मुरादाबाद राजपाल सिंह चौहान, रामपुर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश चौहान, सुरेश सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष नसीम, जिला महामंत्री रंजन विश्नोई, जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर लोधी, मंडल अध्यक्ष ब्रजेश लोधी, जिला कार्यकारिणी सदस्य बबलू सिंह, मंडल उपाध्यक्ष देराम राजपूत, राजीव राजपूत, सेक्टर संयोजक बंटी राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। अटल जी के जन्मदिन पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, और इसी कार्यक्रम को मनाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि प्रत्येक विधानसभा में 75 मोटरसाइकिल द्वारा, युवा मोर्चे द्वारा प्रत्येक बूथ पर जाकर माननीय अटल जी के जन्मदिन को मनाएं, और वहां पर ये संदेश जाना चाहिए प्रत्येक बूथ पर कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी को सुशासन दिवस का रूप में, वहां पर पन्ना प्रमुख और बूथ समिति की बैठक भी की गई, उनको एक संदेश भी दिया गया जो उनका, जो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता माने जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इसीलिए आज 75वें अमृत महोत्सव पर 75 रैलियों द्वारा इसको मनाकर ये संदेश दिया गया कि आज हम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा भारत 2022 के चुनाव में प्रदेश में अपने मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे और माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? देखिए, मुरादाबाद जिले में 4 सीट है और हम लोग बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हम चारों सीटों पर इस बार चुनाव जीतेंगे और मुरादाबाद का नाम